एक प्रमुख जड़दार सब्जी फसल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मूली में अनेकों किस्मों का विकास किया गया है। पूसा चेतकी और पूसा मृदुला ये दो ऐसी किस्में हैं जो बहुत व्यापक रूप से अपनाई जा सकती हैं। पूसा चेतकी एक कम समय में तैयार होने वाली किस्म है और इसके पत्ते एक समान रूप से हरे और बिना कटे हुए होते हैं और इसके पत्तों का इस्तेमाल भाजी के रूप में किया जा सकता है। यह किस्म 35 से 40 दिन में बिजाई के बाद तैयार हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी स्टम्पी होती हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दूसरी जो किस्म है हमारी वो है पूसा मृदुला। आप देखते हैं कि मूली हमेशा लंबे आकार की होती हैं लेकिन मूली की यह किस्म गोल आकार की लाल रंग लिए होती है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके तैयार होने का जो समय है वो 28 से 32 दिन में बिजाई के बाद जड़ों की खुदाई प्रारंभ की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। पूसा चेतकी की बिजाई किसान भाई 15 जुलाई से आरंभ करके 15 सितंबर तक इसकी बिजाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मृदुला को किसान भाई 20 अगस्त से शुरू करके उसको जो है नवंबर के मध्य तक लगाया जा सकता है। मूली जैसा कि आप जानते हैं ये जड़दार फसल है और इसके बढ़वार के लिए ब्लुई दोमट या दोमट किस्म की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो मेड़ों के ऊपर इनकी रोपाई कर बिजाई करनी है और बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है क्योंकि अगेती बुआई की मूली में या सरसों में अक्सर बरगड़ा एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप होता है जो पत्तियों के ऊपर रस चूसकर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बना देता है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि बीज को बुआई के साथ से पहले गाउचो या कॉन्फिडोर से उपचारित किया जा सकता है और उसके लिए बीज की दवा की जो मात्रा है वो 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसमें मिलाई जा सकती है। और ऐसे खेतों में बुआई करनी है जिसमें जल भराव की स्थिति ना आती हो, जल निकास की व्यवस्था हो, तो इसमें मेड़ों के ऊपर बिजाई करनी, मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। अगर आप ट्रैक्टर के माध्यम से मेड़ बनाते हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 75 सेंटीमीटर की दूरी पे यांत्रिक तरीके से मेड़ों का निर्माण किया जा सकता है और उस पर बिजाई हाथ से एक एक बीज को हम मेड़ की चोटी के ऊपर बुआने की सिफारिश करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। बुआई करने के बाद किसान भाई अपने तुरंत बाद उसमें पेंडामेथिलीन नामक हमारा एक खरपतवार नाशी है जिसकी संस्तुति हम करते हैं, उसमें 3 से 4 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय या मिट्टी चमनाने के समय इन फसलों में दिया जा सकता है। अगर निकालने में देरी आप करते हैं तो उससे जड़ों में स्पंजी टिश्यू के निर्माण होने की संभावना रहती है, इसलिए ये जरूरी होता है कि आप 35 दिन से 40 दिन के बीच में आपको जड़ों को निकालना है। पूसा चेतकी के केस में और पूसा मृदुला के केस में 32 से या 34 दिन के अंदर आपको निकालना है। इसलिए आप अगर एक एकड़ में बुआई करते हैं तो एक साथ सारी जड़ों की बुआई ना करें ताकि आपको एक महीने का समय आपको जड़ों के निकालने में और विक्रय में मिल जाए। पूसा चेतकी का बीज आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज उत्पादन इकाई या शाकीय विज्ञान संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृदुला का भी बीज आप शाकीय संभाग या बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 4 बजे के बीच में हमारे किसान भाई आ सकते हैं।